हेलो फ्रेंड्स, अब आईपीएल 2020 के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जा रही है, जहां पे वो तीन T20 मैचेस, तीन वनडे इंटरनेशनल और पांच टेस्ट मैचेस खेलेगी। तो इस वीडियो में हम इनके पूरे टूर का शेड्यूल देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के टूर का, और साथ ही जो भी टीम सिलेक्ट हुई है तीनों फॉर्मेट में, उस टीम पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या उसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल थे जिससे कि वो टीम और बेटर हो सकती थी। तो सबसे पहले तो हम देखें कि वनडे मैचेस सबसे पहले है और ये 27 नवंबर को है, 29 नवंबर और फिर 1 दिसंबर को, और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये सुबह 7:30 से 8:30 के बीच में स्टार्ट हो गए। मेरे ख्याल से एक मैच 7:30 बजे से है और बाकी दो 8:30 से, ये आपको उसी वक्त चेक करना होगा। और वनडे मैचेस के बाद तीन T20 मैचेस है, 4 दिसंबर, 6 दिसंबर और 8 दिसंबर को, और इनके स्टार्ट होने का टाइम इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में है। और लास्ट में चार टेस्ट मैचेस है। पहला टेस्ट मैच डे नाइट है, ये 17 से 21 दिसंबर तक है, इसका टाइमिंग दोपहर 2 बजे से है इंडियन टाइम। और बाकी तीनों टेस्ट मैचेस के आप ये देख सकते हैं कब से है। सेकंड टेस्ट मैच 26 दिसंबर टू 30 दिसंबर, थर्ड टेस्ट मैच 7th टू 11th जनवरी और फोर्थ टेस्ट मैच 15th टू 19 जनवरी, और ये बाकी तीनों टेस्ट मैच इंडिया में सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में शुरू हो गए। तो इन मैचेस के शेड्यूल के बाद हम जरा टीम्स देखते हैं, सिलेक्टर्स ने क्या टीम सिलेक्ट किया। तीनों फॉर्मेट में सबसे पहले तो रोहित शर्मा और ईशान शर्मा को इंक्लूड नहीं किया गया है ड्यू टू इंजरी, पर हो सकता है कि रोहित शर्मा और खास तौर से टीम के साथ जुड़ जाए अगर उनकी फिटनेस में वो क्लियर हो जाती है, इंजरी हील हो जाती है। बट मेरे ख्याल से वो जो फर्स्ट वनडे सीरीज है शुरुआत में वो तो मिस करेंगे, और ईशान शर्मा भी जुड़ सकते हैं क्योंकि टेस्ट मैचेस एंड में है, तो मेरे ख्याल से तब तक रोहित शर्मा और ईशान शर्मा दोनों जुड़ जाएंगे। तीन T20 मैचेस के लिए 16 मेंबर्स की टीम सिलेक्ट की गई है, ये इस तरीके से है। तीन ओपनर्स चुने गए हैं, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल। केएल राहुल को वाइस कैप्टन भी बनाया गया है और वो विकेट कीपर है मेन। मिडल ऑर्डर के लिए विराट कोहली कैप्टन, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे और संजू सैमसन है सेकंड विकेट कीपर भी और एज बैट्समैन भी। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को लिया है। पांड्या मेरे ख्याल से बॉलिंग करेंगे इस सीरीज में, आईपीएल में इसलिए नहीं कर रहे, ऐसा कुछ न्यूज आई है कि वो अपने आप को कंजर्व कर रही है कि कोई इंजरी ना हो और इंडिया के मैचेस में वो बॉलिंग करे, तो मेरे ख्याल से इसमें तो वो ऑलराउंडर ही खेलेंगे। और बॉलर्स T20 के लिए चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह, शामी, नवदीप सैनी, दीपक चहर, युजिंदर चहल और वरुण चक्रवर्ती। तो ये T20 मैचेस की टीम है इंडिया की, और इसमें मेरे अकॉर्डिंग एक पर्सन है जिसको जरूर लिया जाना चाहिए था क्योंकि हम फिनिशर को ढूंढ रहे हैं और उसने अच्छा एज ए फिनिशर अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल में और कुछ टैलेंट दिखाया है, वो है मेरे अकॉर्डिंग राहुल तेवतिया। तो राहुल तेवतिया को मैं वरुण चक्रवर्ती की जगह चूज करता क्योंकि यहां पर हम देखें तो दो ऑफ स्पिनर ऑलरेडी है, वॉशिंगटन सुंदर भी और वरुण चक्रवर्ती, तो दो ऑफ स्पिनर्स की जरूरत नहीं है, वरुण चक्रवर्ती की जगह राहुल तेवतिया हम ले सकते हैं, वो बेटर रहता। और यहाँ पे व्यूअर्स आप जरूर सोच रहे होंगे सूर्य कुमार यादव के बारे में कि उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से अगर उनको लेते तो मनीष पांडे की जगह ले सकते थे, बट मनीष पांडे को भी जितने मौके मिले हैं तो उन्होंने ठीक ठीक परफॉर्म किया है, आईपीएल में भी ठीक परफॉर्मेंस चल रही है, तो थोड़ा उनके साथ ये अनफेयर रहता। फिर हम
आगे वनडे की टीम देखे तो वनडे के लिए 15 मेंबर्स का स्क्वाड चूज किया है, T20 में 16 मेंबर्स का था, तो वनडे में 3 ओपनर्स है, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, शुभम गिल। शुभम गिल T20 में नहीं थे, यहाँ पे शुभम गिल आए हैं। और मिडल ऑर्डर बैट्समैन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, के एल राहुल यहाँ पे मिडल ऑर्डर पांचवें नंबर पे बैटिंग करेंगे, वाइस कैप्टन भी रहेंगे इस बार। ऑलराउंडर्स पांड्या, जडेजा, और बॉलर्स में बुमराह, शामी, सैनी, श्रद्धल ठाकुर, चहल और कुलदीप यादव। ये वनडे की टीम है। और फ्रेंड्स मैं इसमें एक चेंज करना चाहूंगा कि रवि बिश्नोई को कुलदीप यादव की जगह मौका मिलना चाहिए था। कुलदीप यादव पिछले 2 सालों से कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, और यहां तक कि उनको आईपीएल की टीम में भी केकेआर उनको नहीं खिला रही है, उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को मौका दे रही है। और रवि बिश्नोई काफी इफेक्टिव बॉलर लगे है, वो उन्होंने बैट्समैन को काफी ट्रबल किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग रवि बिश्नोई को एक मौका मिलना चाहिए था वनडे टीम में। फिर हम टेस्ट मैचेस की टीम देखते हैं, तो टेस्ट मैचेस के लिए 18 मेंबर्स का स्क्वाड डिक्लेयर किया है, और इसमें 4 ओपनर्स लिए, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शाह, शुभम गिल और केएल राहुल भी। मेरे ख्याल से केएल राहुल को टेस्ट मैचेस में सिलेक्टर्स ने एज मिडल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे ज्यादा सिलेक्ट किया है, क्योंकि हम मिडल ऑर्डर बैट्समैन देखे कोहली, पुजारा, रहाणे और हनुमा विहारी, तो कोई बैकअप मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, तो मेरे ख्याल से राहुल को एज ए बैकअप मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही इन्होंने सिलेक्ट किया है, एक और मौका दिया है उनकी फॉर्म को देखते हुए पिछले 1-2 सालों से। 2 विकेट कीपर लिए, ऋषभ पंत और साहा। ऑलराउंडर्स में अश्विन और जडेजा, ऑफकोर्स ये स्पेशलिस्ट स्पिनर्स भी है। और फिर बॉलर्स में बुमराह, शामी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी और कुलदीप यादव। ये 18 मेंबर्स का स्क्वाड है। तो यहाँ पे मैं इस टीम में सूर्य कुमार यादव को इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आईपीएल में तो अच्छा परफॉर्म किया ही है, बट अगर आप ध्यान दें तो वो रणजी ट्रॉफी में भी पिछले 2 सालों से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टेक्निकली वो अच्छा खेलते हैं और उनके पास सारी शॉट्स है, क्लासिकल बैट्समैन है, तो मैं उनको टेस्ट मैचेस की टीम में जरूर इंक्लूड करता। और हम उनको ये सिलेक्टर्स ने देखना था कि किसकी जगह वो इंक्लूड करे, एक फास्ट बॉलर कम कर सकते थे सिराज या सैनी में से, कुलदीप यादव को भी कम कर सकते थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कुलदीप यादव को टेस्ट मैचेस में मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑलरेडी 2 स्पिनर्स है अश्विन और जडेजा, या वो हनुमा विहारी की जगह भी ले सकते थे। हनुमा विहारी की परफॉर्मेंस एवरेज रही है, हालांकि इतनी बुरी भी नहीं रही, और रहाणे की परफॉर्मेंस भी पिछले 2 सालों से इतनी अच्छी नहीं है टेस्ट मैचेस में, बट सिलेक्टर्स उन पे काफी भरोसा दिखा रहे हैं, उनको वाइस कैप्टन भी बनाया है फिर से, तो मेरे ख्याल से उनको वाइस कैप्टनसी से तो इस बार हटा देना चाहिए था, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये इनका लास्ट टूर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में। आमतौर पर कुछ प्लेयर्स का करियर एंड होता है, और जिस तरीके से रहाणे की परफॉर्मेंस थोड़ी रही है पिछले 1-2 सालों में, तो एक बैकअप अच्छा मिडिल ऑर्डर प्लेयर होना चाहिए था। सिलेक्टर्स चाहते तो जो 2 विकेट कीपर चूज किए हैं, पंत और साहा, उसमें से भी एक को कम कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे राहुल भी है, हालांकि वो टेस्ट मैचेस में तो कीपिंग नहीं करेंगे, बट अगर जरूरत पड़े, कोई इंजरी हो, तो राहुल अगर इंडिया के लिए 50 ओवर में कर सकते है T20 में, तो जरूरत पड़ने पर टेस्ट मैचेस में भी कर सकते है, तो एक कीपर कम कर सकते थे। पर यहाँ पर भी शायद सिलेक्टर्स कंफ्यूज है, टीम मैनेजमेंट कंफ्यूज है कि किसे खिलाना है, कौन उनका फर्स्ट कीपर है, पंत या साहा। पर ये टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने देखना था, और सूर्य कुमार यादव को मेरे अकॉर्डिंग मौका जरूर मिलना चाहिए था टेस्ट मैचेस में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये टीम एनालिसिस पसंद आया होगा। अब जब सीरीज स्टार्ट होगी तो मैं आपके लिए मैचेस का एनालिसिस भी लाऊंगा और अपनी प्रिडिक्शन भी करूंगा, जो भी उस वक्त सिचुएशन होगी कि किस तरीके से कौन सी टीम परफॉर्म करेगी। लेट्स होप कि इंडिया वहां जाके अच्छा करे। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।